दक्षिण भारत के राज्य कर्नाटक में सत्ता के लिए जो नंबर गेम खेला जा रहा है उसे देश और दुनिया दिल थाम कर देख रही है। लेकिन सत्ता के इस संघर्ष के पीछे राजनीति का जो नया समीकरण आकार ले रहा है उस तरफ कम ही लोगों की नजरें हैं। दरअसल 2019 में होने वाले सत्ता के महासंग्राम से पहले अपनों और परायों का भेद खत्म हो चुका है और यही वजह है कि कल तक दुश्मनी का दम भरने वाले राजनीतिक दल अब सहयोगी बनकर विरोधियों पर आरोपों के बम बरसा रहे हैं। आवर प्लान इज नाउ टू सेफगार्ड द एमएलए स्ट्रेंथ। ऑलरेडी बीजेपी एंड इस कैबिनेट मिनिस्टर फ्रॉम दिल्ली हाउ दे आर वर्किंग आउट टू परचेज द एमएलएस। इस तरीके का राजनीति केंद्रीय सरकार जो जेल में होने चाहिए थे उनको टिकटें देते हैं और बाद में एमएलए दूसरी पार्टी के विपक्ष के खरीदने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कर्नाटक के पिछले चुनावों में यूं तो मुकाबला त्रिकोणीय ही रहा है लेकिन 15 मई के चुनाव नतीजों ने 2019 के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महागठबंधन के शूल का संकेत दे दिया है। जनता जनार्दन भगवान का रूप होता है, जब वो आशीर्वाद दे तब एक नई ऊर्जा पैदा होती है। मैं कर्नाटक की जनता को बहुत बधाई देता हूं और जो लोग हर चुनाव 2019 का चुनाव माना जाता है हमारे देश में, हमारे हर कार्यक्रम को 2019 का ब्यूगल बजाने आए हैं ऐसा बताया जाता है और ये लगातार सुनता रहता हूं, कितने ब्यूगल बजते हैं कहां बजते पता नहीं चलता। व्यक्ति विशेष में आज हम आपको बताएंगे कैसे महागठबंधन की राजनीति 2019 के लिए दे रही है नए राजनीतिक समीकरणों का संकेत। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि यूपी में बुआ बबुआ की जोड़ी कैसे लोकसभा चुनाव में बीजेपी की राह में फंसा सकती है पेच, और इसी के साथ पड़ताल इस बात की भी करेंगे कि पश्चिम बंगाल में क्या कमल के लिए कांटा बनेगी तृणमूल और कैसे मोदी को चुभ सकता है गठबंधन का शूल। हमने यहां पे कर्नाटक की जनता की आवाज की रक्षा की है और हम हर प्रदेश की जनता की आवाज की रक्षा करेंगे। जहां भी हमें लगेगा कि बीजेपी लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहा है, इंस्टीट्यूशंस पर आक्रमण कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट पर आक्रमण करना है, वहां आपको कांग्रेस पार्टी दिखाई देगी और हम इस देश के इंस्टीट्यूशंस, इस देश की जनता की आवाज की रक्षा करेंगे। हम सब मिलकर, ऑपोजिशन मिलकर, कोऑर्डिनेट कर बीजेपी को हराएगा, इसका यह मतलब है। नमस्कार, व्यक्ति विशेष के साथ हाजिर हूं मैं रुमारा एसआर खान। जो जीता वही सिकंदर, पिछले कुछ समय से देश की राजनीति में यही मुहावरा हकीकत में तब्दील होता नजर आया और यही वजह है कि कम सीटों वाली पार्टी जहां सरकार बना ले जाती है वहीं ज्यादा सीटें जीतने के बावजूद दूसरी पार्टी मुंह ताकती रह जाती है। गोवा, मणिपुर, मेघालय के बाद अब कर्नाटक भी लोकतंत्र का यही नाटक सामने आया है। दरअसल चुनाव में हार किसी भी दल को सत्ता से इतनी दूर ले जाती है कि वहां फिर से सत्ता की दहलीज तक पहुंचने में बरसों लग जाते हैं और इसीलिए राजनीति की बिसात पर चालें जितनी लंबी चली जाती हैं उतनी ही पेचीदा होता है चुनावी राजनीति का गणित। तो व्यक्ति विशेष में आज हम आपको बताएंगे विपक्षी दलों की रणनीति का वो गणित जो लोकसभा चुनाव में बिगाड़ सकता है प्रधानमंत्री मोदी की जीत का गणित। लेकिन पहले फटाफट देख लीजिए पिछले 4 बरस में देश की राजनीति पर क्या पड़ा है मोदी की राजनीति का असर। मई 2014 में जब मोदी प्रधानमंत्री बने थे तब देश के 7 राज्यों में बीजेपी की सरकार थी, लेकिन कर्नाटक को छोड़कर अब देश के 29 में से 20 राज्यों में बीजेपी और उसके गठबंधन की सरकारें हैं। देश के करीब 70% आबादी यानी करीब 85 करोड़ लोगों और 58% इकोनॉमी पर आज बीजेपी का शासन है और ऐसा मुकाम उसने पहली बार हासिल किया है। कर्नाटक में हार के बाद अब कांग्रेस के पास पंजाब, मिजोरम और पुडुचेरी जैसे सिर्फ 3 छोटे राज्य ही बाकी बचे हैं। इस साल मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ समेत 7 राज्यों में चुनाव होने हैं।
अगर इन राज्यों में भी बीजेपी जीत जाती है तो पीएम मोदी का कांग्रेस मुक्त भारत का सपना पूरा हो जाएगा। यूपी, गुजरात और हिमाचल प्रदेश समेत उत्तर पूर्व के राज्यों में पिछले साल मिली चुनावी जीत से पीएम मोदी को आर्थिक मोर्चे पर तेजी से आगे बढ़ने का मौका मिला है। राज्यों में बीजेपी की लगातार जीत से जहां मोदी सरकार की नोटबंदी और जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स जैसे कड़े आर्थिक फैसलों पर जनता की मुहर लगी है, वहीं 2019 के लिए बीजेपी का पीएम मोदी पर भरोसा भी बढ़ा है। दैनिक भास्कर अखबार ने 2,81,000 पाठकों का जो सर्वे किया उसके मुताबिक करीब 70% लोगों का कहना है कि मोदी अब भी लोकप्रिय हैं। 47% के अनुसार वो इस समय 2014 से भी ज्यादा लोकप्रिय हैं। 85% लोगों का मानना है कि मोदी 2019 में होने वाले आम चुनाव में दोबारा सरकार बना लेंगे और 53% ये मानते हैं कि एकजुट विपक्ष भी 2019 में मोदी को हरा नहीं सकेगा। 2014 के लोकसभा चुनाव से ही प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी का चेहरा है। पिछले 4 साल में ज्यादातर राज्यों के चुनाव बीजेपी ने मोदी को ही चेहरा बनाकर लड़े और जीते हैं। ऐसे में उनके करिश्मे के दम पर बीजेपी 2019 का चुनाव भी जीत लेना चाहती है और इसीलिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और मोदी की जोड़ी ने कर्नाटक से फूंक दिया है 2019 के महामुकाबले का बिगुल। कर्नाटक का विजय असामान्य विजय है, अभूतपूर्व विजय है, क्योंकि देश में ऐसी छवि बना दी गई कि भारतीय जनता पार्टी यानी उत्तर भारत की पार्टी, हिंदी भाषी पार्टी, न गुजरात हिंदी भाषी है, न महाराष्ट्र हिंदी भाषी है, न गोवा हिंदी भाषी है, न असम हिंदी भाषी है, न नॉर्थ ईस्ट का कोई राज्य हिंदी भाषी है, लेकिन एक परसेप्शन क्रिएट कर दिया जाता है। एक झूठ फैलाने वाले लोग बार 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 ऐसा झूठ फैलाते हैं कि फिर कोई व्यक्ति सोचने के लिए तैयार ही नहीं होता है। इस प्रकार की विकृत सोच रखने वालों को कर्नाटक की जनता ने बड़ा झटका दिया। कर्नाटक चुनाव ने साबित किया कि देश में मोदी लहर कायम है, लेकिन इस चुनाव के बाद से विपक्षी दलों ने बीजेपी के खिलाफ लामबंदी भी तेज कर दी है। ऐसे में सवाल यह कि क्या 2019 में कमल की राह का कांटा बनेगी तृणमूल या फिर यूपी में हाथी कुचल देगा फूल। लेकिन 2019 की बात से पहले बात उस कर्नाटक की जहां लोकतंत्र के नाम पर राजनीतिक दलों का नाटक जारी है। खुलेआम प्रधानमंत्री जी ने, अमित शाह जी ने कांग्रेस पार्टी और जनता दल के लेजिस्लेटर्स एमएलए को खरीदने की कोशिश की है। टेप रिकॉर्डिंग सबके सामने है। प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार की बात करते हैं, मगर सच्चाई है कि प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार को बढ़ा रहे हैं और एक प्रकार से प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार हैं। गरीब परिवार से जन्मे एक नेता हो गए और देश के प्रधानमंत्री हो गए, ये उनको नहीं पच रहा है और इसलिए कुछ भी आरोप करे, भ्रष्टाचार के आरोप कांग्रेस करे, ये तो सैतान बाइबल का पठन करता है वैसे हो गया। अरे पूरी खानदान, पूरा कांग्रेस का जन्म और आज तक जो भी कर रहे हैं भ्रष्टाचार के सिवा कुछ भी नहीं करते हैं। आरोप लगाए हम पर कि भाई इन्होंने तो खरीद फरोख्त का प्रयास किया। अरे खरीद फरोख अगर करते तो साथ ही एमएलए चाहिए था ना, तो एक भी अगर खरीद फरोख नहीं की इसीलिए तो हमने इस्तीफा दिया। कर्नाटक में राजनीतिक घमासान के बीच गुरुवार को येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली। येदियुरप्पा ने 2 दिनों में सदन में बहुमत साबित करने का दावा किया, लेकिन वो सदन में बहुमत साबित नहीं कर सके। कर्नाटक के इस मंथन से जो विष निकला है वो 2019 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष के लिए वरदान भी साबित हो सकता है। दरअसल कर्नाटक में 104 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी बीजेपी को राज्यपाल ने सरकार बनाने का न्योता क्या दिया, पस्त पड़े विपक्ष में जैसे जान पड़ गई।
कर्नाटक की तर्ज पर विपक्षी दलों ने गोवा, मणिपुर, मेघालय, बिहार और नागालैंड में भी सबसे बड़े दल को सरकार बनाने का मौका दिए जाने की मांग तेज कर दी। येदुरप्पा जी ने ओथ लिया है एज अ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, तो हम लोगों का भी अधिकार बनता है। बीजेपी का जो तर्क है उस तर्क पे हम लोगों का भी अधिकार बनता है। हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं बल्कि सिंगल प्री पोल ब्लॉक भी रहे हैं। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का अलायंस था और अभी भी है और आगे भी रहेगा, इस नाते प्री पोल में सिंगल लार्जेस्ट अलायंस भी हम लोग हैं। दरअसल गोवा, मणिपुर, मेघालय, बिहार और नागालैंड में सबसे बड़ी पार्टी न होने के बावजूद बीजेपी की गठबंधन सरकारें हैं। 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में 53 विधायकों वाली बीजेपी की 71 सीटों वाले जनता दल यूनाइटेड के साथ गठबंधन सरकार है, जबकि बिहार में 80 सीटों के साथ लालू यादव की राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी है। उधर 40 सीटों वाले गोवा में बीजेपी की 13 सीटें हैं और 7 अन्य के साथ उसने गठबंधन सरकार बनाई है, जबकि यहाँ कांग्रेस 17 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है। मणिपुर की 60 में से 28 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, लेकिन यहां भी 21 सीटों वाली बीजेपी ने 10 अन्य के साथ मिलकर सरकार बना ली। यही हाल 60 सीटों वाले मेघालय का है, जहां बीजेपी की सिर्फ 2 सीटें हैं, लेकिन 20 विधायकों वाले एनपीपी और 10 अन्य के साथ उसकी सरकार है, जबकि कांग्रेस 21 सीटों के साथ राज्य की सबसे बड़ी पार्टी है। 60 सीटों वाले नागालैंड में भी बीजेपी 12 विधायकों, एनडीपीपी के 18 और अन्य 4 के साथ सरकार में है, जबकि नागालैंड में एनपीएफ 26 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है। यही वजह है कि विपक्ष ने कर्नाटक की तर्ज पर इन राज्यों में अपनी सरकार का दावा ठोक दिया है और इसी के साथ विपक्ष ने भी छेड़ दिया है 2019 के चुनाव के लिए सुरतान। सब एक साथ मिलके खड़े हुए और ये जो लोकतंत्र पे आक्रमण था, जो पूरे देश में हो रहा है, सब जगह हो रहा है, इसको यहां पे कर्नाटक में रोका गया है। और मैं और सब ऑपोजिशन के लीडर मिलके आपको कहते हैं कि बीजेपी को, आरएसएस को हम रोकेंगे, जो ये देश के इंस्टीट्यूशन के साथ, सुप्रीम कोर्ट के साथ कर रहे हैं, इसको हम रोकेंगे। और देश में जो हिंदुस्तान की जनता की आवाज है, उसकी हम रक्षा करेंगे। कार की हाथी एक बार चढ़ गई, दो बार चढ़ गई, रिपेयर करके तीसरी बार चढ़ा ली, लेकिन बार बार नहीं चढ़ने वाली। इनके ये जो हथकंडे हैं, तोड़फोड़ की राजनीति, खरीद फरोख्त की राजनीति हमेशा कामयाब नहीं होने वाली है। और कर्नाटक में इनको जो चपत लगी है, जो इन्होंने इधर भी कोशिश की कि हम इधर खरीद फरोख्त करके सेंटर में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके हम कर्नाटक में फिर से सरकार बना लेंगे, मेरे ख्याल इसमें इनको कामयाबी नहीं मिली। और पूरा अपोजिशन एकजुट रहा है इनके इन मंसूबों को पर पानी फेरने के लिए। कर्नाटक चुनाव को राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से अहम माना जा रहा था। दरअसल कर्नाटक के नतीजों से देश की राजनीति के कई समीकरण बन और बिगड़ सकते हैं, जिनकी बात भी हम करेंगे आगे। लेकिन पहले बात उन येदुरप्पा की, जिन पर पीएम मोदी ने लगाया अपना सबसे बड़ा दांव। साल 2011 में भ्रष्टाचार के आरोप में 3 हफ्तों की जेल काट चुके 75 साल के येदुरप्पा ने बतौर क्लर्क अपने करियर की शुरुआत की। 1965 में सामाजिक कल्याण विभाग में क्लर्क के रूप में काम करते थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य रह चुके बीएस येदुरप्पा ने 1970 में जनसंघ से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। 1983 में पहली बार विधायक बने, 8वीं बार कर्नाटक विधानसभा में विधायक चुने गए। दक्षिण भारत में पहली बार बीजेपी की सरकार बनाने का श्रेय येदुरप्पा को दिया जा सकता है। लिंगायत समुदाय से ताल्लुक रखने वाले येदुरप्पा 1994 से 1999 के बीच 5 साल तक कर्नाटक विधानसभा में नेता विपक्ष रहे। 12 नवंबर 2007 में बीएस येदुरप्पा जेडीएस यानी जनता दल सेक्युलर के समर्थन से पहली बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने, लेकिन 19 नवंबर 2007 को मंत्रियों की संख्या पर मतभेद के चलते जेडीएस ने समर्थन वापस लिया, तो 7 दिन बाद येदुरप्पा को इस्तीफा देना पड़ा। 30 मई 2008 को येदुरप्पा ने दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन मुख्यमंत्री रहने के दौरान उन पर अवैध खनन का आरोप लगा। लोकायुक्त ने अपनी रिपोर्ट में बेंगलुरु, शिमोगा में उनके द्वारा अवैध खनन कराने की बात कही और दबाव के चलते 31 जुलाई 2011 को उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा। नवंबर 2012 में येदुरप्पा ने बीजेपी से इस्तीफा देकर कर्नाटक जनपक्ष पार्टी बनाई, लेकिन 2013 में येदुरप्पा बिना शर्त बीजेपी में लौट आए और 2018 में उनकी अगुवाई में एक बार फिर बीजेपी ने कर्नाटक में जीत दर्ज की।
दरअसल दक्षिण भारत में कर्नाटक ही ऐसा इकलौता राज्य है जहां से बीजेपी ने पिछले चुनाव में 17 लोकसभा सीटें जीती थी, लेकिन दक्षिण भारत के तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में जहां 101 लोकसभा सीटें आती हैं, वहां बीजेपी अपने सहयोगी दलों के भरोसे ही है। जाहिर है 2019 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के सामने उत्तर भारत के अपने गढ़ बचाने के साथ दक्षिण भारत में विरोधियों के इन गढ़ों में सेंध लगाने की बड़ी चुनौती भी खड़ी है। लेकिन कर्नाटक की जनता ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि भाषा कहीं बीच में आई ही नहीं। ये एक अद्भुत अनुभव था, अद्भुत अनुभव था। और मैं भी चाहता हूं देश में इस प्रकार की विघटन करने वाली प्रवृत्तियां, उनको मोदी पसंद हो या ना हो छोड़ दो, लेकिन देश की जनता के मिजाज को समझो। वो हिंदुस्तान के लिए जी जान से जीने मरने वाले मेरे देश के हर कोने में लोग हैं, हर भाषा भाषी लोग हैं, ये मेरे देश के लिए गर्व की बात है। जहां भाजपा पहले से ही अपने शिखर पर पहुंच चुकी है, वहां निश्चित रूप से सीटें कम होने वाली हैं। और पिछली बार तो विपक्ष बटा हुआ था, इस बार तो उन सभी प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी को संयुक्त विपक्ष का सामना करना पड़ सकता है और वहाँ उसकी बड़े पैमाने पर सीटें कम होंगी। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कहाँ से सीटों की भरपाई करेगी, इस सवाल का जवाब तो उसे खुद ही देना है। अगर उत्तर पूर्व, अगर भाजपा समझती है कि उत्तर पूर्व से वो सीटों की भरपाई कर लेगा, उत्तर पूर्व में सीटें इतनी कम हैं कि वो उत्तर भारत और मध्य भारत में उसकी सीटों की जो कमी होगी उसकी भरपाई वहाँ से नहीं कर पाएगी। दक्षिण भारत में भी भारतीय जनता पार्टी का इतना प्रभाव नहीं बढ़ा है कि वहाँ से उसे बड़े पैमाने पर सीटें मिल सकें। कर्नाटक में सत्ता के संघर्ष ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी पार्टियों को बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की वजह दे दी। दरअसल इसके पीछे वो डर जो 2014 के बाद से क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दलों के सीने में बैठा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अखिल भारतीय ब्रांडिंग और उसकी मार्केटिंग के चलते ही बीजेपी छोटे से छोटे चुनाव को भी राष्ट्रीय चुनाव में बदल देती है, और यही कर्नाटक में भी हुआ। मोदी और अमित शाह के अश्वमेघ घोड़े ने कांग्रेस के साथ जेडीएस की उम्मीदों के रथ को भी मैदान से खदेड़ दिया है। और इसी के साथ ये संदेश भी साफ हो गया है कि जिस राज्य में बीजेपी का संगठन मौजूद है वहां बहुकोणीय मुकाबले में बीजेपी किंग है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य से लेकर त्रिपुरा जैसे छोटे राज्य तक ये जाहिर हो चुका है, और अब कर्नाटक के चुनाव नतीजे ने भी इस पर मुहर लगा दी है। लेकिन यहाँ अहम सवाल ये है कि कर्नाटक के बाद के चुनाव कैसे होंगे? क्या विपक्ष उसी तरह बिखरा हुआ लड़ेगा जैसे कर्नाटक में लड़ा है, या उनमें कोई एकजुटता बनेगी? हम सब मिलकर, ऑपोजिशन मिलकर, कोऑर्डिनेट कर बीजेपी को हराएगा। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी और जनता दल सेक्युलर के बीजेपी के खिलाफ अलग अलग चुनाव लड़ने के नतीजे ने देश को तमाम क्षेत्रीय दलों के लिए बड़ा संदेश दे दिया है, खासकर उन क्षेत्रीय दलों के लिए जो ये समझते हैं कि उनका किला महफूज है और बीजेपी उसमें सेंध नहीं लगा सकती। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू, उड़ीसा में नवीन पटनायक, तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव और तमिलनाडु में एम के स्टालिन को अब बीजेपी से सावधान होना ही पड़ेगा। जिस तरह बीजेपी ने त्रिपुरा में लेफ्ट पार्टी का, उत्तर प्रदेश में समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी का, महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी का किला ध्वस्त किया है, उसी तरह बीजेपी इन क्षत्रपों का किला भी फतह कर सकती है। और यही वजह है कि क्षेत्रीय दलों और इनके क्षत्रपों ने अपना वजूद बचाने के लिए 2019 में गठबंधन की रणनीति तेज कर दी है। भारतीय जनता पार्टी की ये जो राजनीति है चप्पे चप्पे में भाजपा, इसने एक मनोवैज्ञानिक परिस्थिति पूरे देश में पैदा कर दी है। एक ऐसी परिस्थिति जिसके अंदर तमाम विपक्षी दल, चाहे वो राष्ट्रीय हों या क्षेत्रीय हों, ये इस बात के लिए मजबूर हैं कि वो आपस में एक बड़ा गैर भाजपा गठजोड़ बनाएं। इसकी एक राष्ट्रीय अभिव्यक्ति भी होगी और इसकी कुछ क्षेत्रीय अभिव्यक्तियाँ भी होंगी, और क्षेत्रों में जो लड़ाई होगी वो महत्वपूर्ण होगी। और कांग्रेस को इस बात को ध्यान रखना चाहिए, जहाँ पर ज़रूरी हो कांग्रेस पीछे हटकर अपने दावे को थोड़ा सा कम करके भी क्षेत्रीय शक्तियों को अपने साथ जोड़े। ये है कर्नाटक चुनाव का संदेश। ये चुनाव 2019 का दो गठबंधनों के बीच में होगा, एक का नेतृत्व तो बीजेपी करेगी, दूसरा कांग्रेस करेगी। ज़्यादातर
बीच में एक कोशिश हो रही है तीसरा मोर्चा बनाने की, जैसे ममता बनर्जी और टीआरएस के नेता चंद्रशेखर राव कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं आखिर आते आते हो सकता है कुछ पार्टियां अलग भी लड़ें, लेकिन मोटे तौर पर अभी कांग्रेस और बीजेपी के जो गठबंधन होंगे उनके बीच में ही चुनाव होगा। क्या विपक्षी दलों के गठबंधन की रणनीति 2019 में कामयाबी की तरफ ले सकती है यूटर्न, या फिर पीएम मोदी और अमित शाह की जोड़ी लोकसभा चुनाव में क्षेत्रीय दलों के क्षत्रपों का भी अंत कर देगी? बताएंगे आपको इस छोटे से ब्रेक के बाद। गर्व कर सकता है कि एक भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है जो पार्टी भीतर से भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चलती है, जो लोकतंत्र से समर्पित है और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हर कोशिश कर रही है। मैं फिर एक बार कर्नाटक के लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि यह देश कर्नाटक की विकास यात्रा में कंधे से कंधा मिलाकर के साथ चलेगा। भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक की विकास यात्रा को रोकने नहीं देगी, ये मैं कर्नाटक की जनता को विश्वास दिलाता हूं। नए प्रयोग और नए जोश के बीच कर्नाटक के चुनाव में भी आम आदमी के वोट ने सत्ता का एक नया समीकरण बुन दिया है। कर्नाटक की इस चुनावी रेस में कांग्रेस का हाथ काफी पीछे छूट गया है और इस चुनाव में भी प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा बन गया है कांग्रेस के गले की फांस, और यही वजह भी है कि एक बार फिर अधूरा रह सकता है कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का ख्वाब। हम सब मिलकर, ऑपोजिशन मिलकर, कोऑर्डिनेट कर बीजेपी को हराएगा। कर्नाटक में भले ही किसी दल को बहुमत नहीं मिला है, लेकिन अगर जनता दल सेक्युलर और कांग्रेस ने चुनाव से पहले गठबंधन किया होता तो तस्वीर कुछ और हो सकती थी। ये अनुमान कर्नाटक विधानसभा चुनाव के 15 मई को आए नतीजों पर आधारित है। इसके मुताबिक चुनाव से पहले कांग्रेस और जेडीएस के गठबंधन को 151 सीटें मिल सकती थी, जिसके बाद यह गठबंधन आसानी से अपनी सरकार बना सकता था। नतीजों के अनुमान के मुताबिक चुनाव पूर्व गठबंधन होने से कांग्रेस 78 की बजाय 99 सीटें तक जीत सकती थी। वहीं जेडीएस को गठबंधन से 37 के बजाय 51 सीटों पर फायदा मिलता। विधानसभा के नतीजों के अनुमान के मुताबिक जेडीएस और कांग्रेस अगर 2019 का अगला लोकसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ती हैं और अगर मतदाता इस गठबंधन को अपना समर्थन देते हैं तो कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों में से बीजेपी सिर्फ 7 पर जीत हासिल कर सकेगी, जबकि 2014 में उसने 17 सीटें जीती थी। वहीं कांग्रेस को 2014 में 9 सीटों के मुकाबले 2019 में 17 सीटों तक का फायदा हो सकता है। कर्नाटक चुनाव ने वो प्रक्रिया शुरू कर दी है जो दरअसल कांग्रेस को पहले से ही अपनानी चाहिए थी, और वो प्रक्रिया है क्षेत्रीय शक्तियों के साथ में किस तरह से सकारात्मक भाजपा विरोधी गठजोड़ किए जाएं। भारतीय जनता पार्टी की एक अघोषित रणनीति है जिसको वो चप्पे चप्पे में भाजपा का नाम देती है, यानी वो किसी भी दूसरी पार्टी के लिए कहीं कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती, भले ही वो उसके अपने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठजोड़ के सदस्य ही क्यों ना हो। धीरे धीरे करके हम देख सकते हैं कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठजोड़ के सदस्य भी, शिवसेना हैं, तेलुगु देशम है, वो सब उससे बाहर जा रहे हैं। जो गठजोड़ के सदस्य दूसरे दल हैं वो असंतुष्ट हैं, तो भाजपा किसी के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती। ये कांग्रेस के लिए एक स्वर्ण अवसर है। कर्नाटक में अगर जेडीएस और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ते तो जाहिर है नुकसान बीजेपी को होता, ठीक उसी तरह जिस तरह देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में अगर पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी साथ मिलकर चुनाव लड़ती तो बीजेपी के लिए सत्ता पाने की संभावना धूमिल थी। लोकसभा चुनाव की जंग के लिहाज से उत्तर प्रदेश देश का सबसे अहम राज्य है। 20 करोड़ की आबादी वाला उत्तर प्रदेश जनसंख्या के नजरिए से भी देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, और यही वजह है कि देश की चुनावी राजनीति में उत्तर प्रदेश की भूमिका सबसे अहम होती है। इस राज्य से 80 सांसद चुनकर लोकसभा में पहुंचते हैं, इसीलिए ऐसा माना जाता रहा है कि जो राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग जीत लेता है वही देश पर राज करता है।
उत्तर प्रदेश से ही भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर देश के कई और प्रधानमंत्री भी चुनकर संसद तक पहुंचे हैं। नरेंद्र मोदी भी जब बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने तो उन्होंने भी 2014 के आम चुनाव में संसद की राह उत्तर प्रदेश के बनारस से ही चुनी थी। बीजेपी ने 2014 के आम चुनाव में 282 सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी, जिसमें से अकेले उत्तर प्रदेश से ही बीजेपी के 71 सांसद चुने गए थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी का बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन के बीच त्रिकोणीय मुकाबला हुआ था और मोदी मैजिक के आगे जहां साइकिल पंक्चर हो गई थी, वहीं हाथी हो गया था छूमंतर। लेकिन 2019 में यहां मोदी की राह आसान नहीं है। देखिए, अगर सपा और बसपा का गठबंधन हो जाता है तो मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल हो जाएगी। सबसे बड़ा चैलेंज अगर बीजेपी के सामने, मोदी के सामने, अमित शाह के सामने है तो यही रहेगा वो कि वो बीएसपी और एसपी को कैसे अलग अलग रखें, क्योंकि वहाँ पे बीएसपी, एसपी, आरएलडी और कांग्रेस, हालांकि कांग्रेस का वहाँ पे ज़्यादा स्टेक पे नहीं है कुछ भी, लेकिन अगर ये चारों पार्टियाँ वहाँ पे एक हो जाती हैं तो हम सीट की बात ना भी करें तो उनका जो अपना वोट बैंक है, तो मुझे लगता है बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी होगी बीजेपी के लिए और उसकी भरपाई करना उनके लिए बेहद मुश्किल होगा। देश की सत्ता का एपिसेंटर उत्तर प्रदेश भी अब करवट बदल रहा है। यूपी में पीएम मोदी के खिलाफ बुआ बबुआ यानी मायावती और अखिलेश यादव का मायावी फॉर्मूला खेल कर सकता है, जिसकी एक झलक मार्च में हुए उपचुनाव में नजर आई। यूपी में 25 साल बाद जब दो दुश्मनों मायावती और अखिलेश यादव ने हाथ मिलाया तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पटक दिया। उत्तर प्रदेश में यूं तो लोकसभा और विधानसभा के पिछले चुनावों में मुकाबला त्रिकोणीय ही रहा है, लेकिन मार्च महीने में राज्य की दो सबसे वीआईपी सीटों गोरखपुर और फूलपुर के लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत ने 2019 के लिए नए संकेत दे दिए हैं। दरअसल इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने समर्थन दिया था और अगर बुआ बबुआ का यह गठजोड़ 2019 के आम चुनाव में भी जारी रहा तो यूपी के चुनाव नतीजे बीजेपी के होश भी उड़ा सकते हैं, क्योंकि यूपी में 2014 के लोकसभा चुनाव में मिले वोटों के गणित पर नजर डालें तो जहां एसपी, बीएसपी और कांग्रेस के गठबंधन को राज्य की 80 में से 56 सीटों पर जीत मिलती नजर आती है, वहीं बीजेपी गठबंधन को सिर्फ 24 सीटों से ही संतोष करना पड़ता है। जिन शक्तियों को हम सपा और बसपा के इर्द गिर्द देखते हैं, अगर वो शक्तियां देश में बीजेपी और मोदी के खिलाफ एकजुट होंगी तो मोदी को काफ़ी मुश्किल होगी, लेकिन उन शक्तियों का एक होना, उन नेताओं का एक होना, ये भी बहुत आसान नहीं है। उपचुनावों में गठबंधन जरूर हुआ है और उपचुनावों में एकता दिखी है, लेकिन वो लोकसभा चुनाव तक क्या होगा ये अपनी जगह है। और दूसरा ये है कि उन नेताओं पे, उन पार्टियों पे उनकी एकता ना हो, इस पे मोदी अमित शाह की टीम भी काम कर रही होगी। बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश की राह आसान नहीं, लेकिन अमित शाह के नेतृत्व में जिस तरह बीजेपी ने एक के बाद एक देश के 13 से ज्यादा सूबे जीत लिए, उसे देखते हुए 2019 में उनके 50% के टारगेट को नजरअंदाज करना भी मुश्किल है। क्या बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी की जोड़ी बीजेपी को लोकसभा चुनाव में 50% वोट का तोहफा दिला सकेगी? इस सवाल का जवाब कर्नाटक से भी कुछ हद तक मिला है, लेकिन इस सवाल के मुकम्मल जवाब से पहले एक नजर उन अहम राज्यों पर डालनी पड़ेगी जहां बीजेपी को 2019 में भारी जीत की उम्मीद है। सबसे पहले बात हिंदी बेल्ट की। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, वहीं मध्य प्रदेश में 29, छत्तीसगढ़ में 11, राजस्थान में 25, बिहार में 40 और झारखंड में 14 लोकसभा की सीटें हैं। अब नीचे देखें तो महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं जहां शिवसेना के साथ बीजेपी का गठबंधन है। इसके अलावा गुजरात 26, कर्नाटक 28, पंजाब 13, दिल्ली 7 और हिमाचल प्रदेश 4 से भी बीजेपी को ज्यादा सीटें जीतने का भरोसा है। बीजेपी की इन 321 सीटों पर पैनी नजर रही है। इसके अलावा अब बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने दक्षिण भारत के तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अलावा पश्चिम बंगाल पर भी अपनी नजरें गड़ा दी हैं।
लेकिन कर्नाटक में सांस रोककर फिनिशिंग लाइन पर पहुंच जाने के बावजूद बीजेपी को ये एहसास भी हो चला है कि अपने बूते विस्तार की सीमा पार्टी ने हासिल कर ली है और इसीलिए उसे ज्यादा गठबंधन साथियों की तलाश रहेगी। देखिए, बीजेपी अलायंसेस करना चाहेगी अब और वो चांस नहीं लेना चाहेगी। अकाली दल उसके साथ रहेगा, शिवसेना का सब एक क्वेश्चन मार्क है, मालूम नहीं। जनता दल यू भी कुछ अगर स्टेटमेंट्स देखिए, थोड़ा अपने आप को डिटैच करने की कोशिश कर रहे हैं। कर पाएंगे कि नहीं वो अलग चीज़ है, लेकिन और पार्टीज़ को भी साथ लेने की कोशिश करेगी। 2019 के चुनाव में बीजेपी को विरोधी पार्टियों के संभावित गठबंधन से पार पाने के लिए तमिलनाडु में AIADMK और DMK में से किसी एक को अपने साथ जोड़ना होगा। वहीं महाराष्ट्र में शिवसेना, बिहार में नीतीश, पंजाब में बादल उसके साथ हैं, तो आंध्र प्रदेश में जगन मोहन के जरिए वो चंद्रबाबू नायडू की कमी पूरी कर सकती है। पश्चिम बंगाल के पंचायत के चुनाव में लोकतंत्र की जिस प्रकार से हत्या की गई है, नामांकन से लेकर के मतदान तक कहीं लोकतंत्र को स्वीकृति नहीं। बहुत बड़ी तादाद में निर्दोष कार्यकर्ताओं की हत्याएं हो और सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, ऐसा नहीं है। वहां के शासक दल के सिवाय सबको मुसीबत झेलनी पड़ी है, कोई बाकी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस बात का खूब एहसास है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में असल चुनौती बंगाल से मिलने वाली है, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उनके खिलाफ लंबे समय से तलवार भांज रही हैं। हालांकि बंगाल में राजनीति तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के बीच ही घूमती रही है, लेकिन बीजेपी यहां एक ताकत के तौर पर उभरने की कोशिश में है। 2004 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में जहां बीजेपी का खाता भी नहीं खुल सका था, वहीं 2009 में राज्य की 42 लोकसभा सीटों में से एक और 2014 के चुनाव में बीजेपी 2 लोकसभा सीटें जीतने में सफल रही थी। हालांकि यहां हुए पंचायत और नगर निकाय के ताजा चुनावी नतीजों ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी ही नहीं दूसरी पार्टियों को भी काफी पीछे छोड़ दिया है। लेकिन 40 सीटों वाले बिहार में बीजेपी की कहानी थोड़ी अलग है। 2004 में यहां बीजेपी ने 5 लोकसभा सीटें जीती थी। 2009 के चुनाव में NDA गठबंधन को 31 सीटें मिली, जिसमें से 12 बीजेपी ने जीती थी, जबकि 2014 के चुनाव में नीतीश कुमार और लालू यादव जैसे दिग्गजों के बीच से मोदी 22 सीटें जीतने में कामयाब रहे थे। लेकिन नीतीश के NDA के पाले में आने के बाद 2019 में बीजेपी को बिहार में बड़ी जीत की उम्मीद है। बीजेपी बहुत तेजी से पश्चिम बंगाल में बढ़ रही है, नंबर 2 की पार्टी हो गई है। कांग्रेस और लेफ्ट बहुत पीछे छूट गए हैं, लेकिन अभी भी नंबर 1 जो ममता बनर्जी की तृणमूल पार्टी है, नंबर 1 और नंबर 2 में भी बहुत फासला है। लेकिन इस बारे में कोई शक नहीं है कि बीजेपी नंबर 2 है वहाँ पे। अब सीटें कितनी जीतेंगी, 42 सीटें हैं वहाँ पे लोकसभा के। मैं ये नहीं मानता कि 42 में वो आधी सीटें जीत जाएंगी, लेकिन अगर बीजेपी 2 डिजिट में पहुँच गई, पिछली बार उन्हें 2 सीटें थी, अगर वो 10 सीटें जीत जाएं, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात की तरह महाराष्ट्र भी उनके लिए पिछले कुछ महीनों में एक बड़ी चुनौती बन गया है। जहां विरोधियों ने दलित राजनीति के मुद्दे पर पिछले कुछ महीने से बीजेपी की तो जैसे नींद ही उड़ा रखी है, गुजरात की तरह ही महाराष्ट्र पर भी बीजेपी की नजर गड़ी है। यहां शिवसेना के साथ बीजेपी का गठबंधन है, जिसकी 2019 में सीधी टक्कर NCP कांग्रेस के साथ होगी। महाराष्ट्र की 48 सीटों में से बीजेपी ने 2004 में 13, 2009 के चुनाव में 9 और 2014 के चुनाव में 23 सीटें जीती थी। 2019 में भी मोदी यहां शिवसेना के साथ मिलकर सीटें बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हिंदी बेल्ट के राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकारें हैं। खास बात यह है कि इन तीनों राज्यों में बीजेपी की सीधी टक्कर कांग्रेस से है।
ऐसे में बीजेपी को इन राज्यों से सबसे ज्यादा सीटें जीतने की उम्मीद है। राजस्थान में कुल 25 लोकसभा सीटें हैं। 2004 के चुनाव में बीजेपी ने यहां 20, 2009 के चुनाव में 4 और 2014 के पिछले चुनाव में सभी 25 सीटें जीती थी। बीजेपी का दूसरा गढ़ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है, जहां पिछले चुनाव में उसने 29 में से 27 सीटें और छत्तीसगढ़ में 11 में से 10 सीटें जीती थी। राजनीतिक रूप से अहम एक और राज्य उड़ीसा में बीजेपी पिछले लोकसभा चुनाव में 21 में से महज एक सीट ही जीत सकी थी। हालांकि बीजेपी का संगठन यहां मजबूत रहा है। उधर दक्षिण भारत में कर्नाटक ही ऐसा राज्य है जहां से बीजेपी के 17 सांसद हैं, लेकिन तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश में जहां 101 लोकसभा सीटें हैं, वहां बीजेपी अपने सहयोगियों के भरोसे है। यही वजह है कि 2019 के चुनाव में बीजेपी के लिए दक्षिण भारत चुनाव का एपिसेंटर बन गया है, और इसीलिए 2019 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के लिए अपने गढ़ बचाने के साथ साथ विरोधियों के गढ़ में सेंध लगाने की चुनौती भी है। एनसीपी कांग्रेस का इकट्ठा होना मुश्किल स्थिति पैदा करेगा भाजपा के लिए। तो कई स्टेट, 4 स्टेट्स हैं जहां ओपोजिशन यूनिटी मैटर करेगी नंबर, बीजेपी के नंबर्स को डाउन करने में, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और झारखंड। बाकी जगह तो अपने अपने ममता को जरूरत नहीं है अलायंसेस की। और चंद्रशेखर राव जो तेलंगाना के हैं, बीजू जनता दल के नवीन पटेल, इनको नहीं ज़रूरत है। पर 4 स्टेट्स में अगर अपोजिशन यूनिटी इफेक्टिव हो जाती है, जैसे कि यूपी की बात कर रहे हैं आप, तो फर्क पड़ने वाला है। जाहिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2019 में जीत कर अगर दोबारा केंद्र की सत्ता में आना है तो उन्हें न सिर्फ विरोधी गठबंधन से बीजेपी के अपने गढ़ बचाने होंगे, वहीं दूसरी ओर उन राज्यों की करीब 192 सीटों पर भी जोर लगाना होगा जहां पिछले चुनाव में उनकी पार्टी बीजेपी हार गई थी। और तभी 2019 में पूरा हो सकता है मोदी का मिशन रिटर्न। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।